हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इज़ यशवंदर राणा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं PRMO 2019 का पेपर. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अ स्क्वायर विद साइड ऑफ लेंथ 5, ट्राइंगुलर पीसेज फ्रॉम द फोर कॉर्नर आर रिमूव्ड टू फॉर्म अ रेगुलर ऑक्टागन. फाइंड द एरिया रिमूव्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर. ओके, एक स्क्वायर से ट्राइंगुलर पीसेस को कट किया जा रहा है टू फॉर्म अ रेगुलर ऑक्टागन. तो पहले हम एक स्क्वायर फॉर्म कर देते हैं. फाइव इसका जो लेंथ है ये 5 है और यहाँ से हम ट्राइंगुलर पीसेस कट करने हैं सच दैट कि एक ऑक्टागन फॉर्म हो. तो लेट से हम एक ऑक्टागन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. तो लेट सपोज ये हमारा ऑक्टागन है. लेट से कि जो लेंथ कट किया गया था वो x था, तो ये x होगा तो ये भी x होगा. ये x होगा तो ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ये रूट 2x होगा और ये टोटल अगर 5 था तो ये कितना होगा, 5 - 2x होगा. और ये भी ऑक्टागन का एक साइड है और ये भी एक साइड है, तो दैट मीन्स 5 - 2x शुड बी इक्वल टू रूट 2x. जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/2 + √2. नाउ जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया रिमूव टू द नियरेस्ट इंटीजर. ना एरिया कितना होगा, ऑब्वियसली 4 ट्राइंगुलर पीसेस को रिमूव किया गया तो 4 × ½ x × x दैट इज x स्क्वायर. यानी हमें जो फाइंड करना है वो 2x स्क्वायर करना है. फाइंड नाउ व्हाट इज 2x स्क्वायर. x आपके पास 5/2 2+√2 है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आ जाएगा 4.29 आ जाएगा. तो आपका नियरेस्ट इंटीजर हो गया, वो हो गया 4 एंड विच इज़ योर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू अवर सेकेंड क्वेश्चन. It is let f of x is equal to x square plus ax plus b if all non-zero real x. ये एक equation दे रखा है f(x+1/x) is equal to f(x+this). And the root of f(x) equal to 0 are integer. What is the value of a square plus b square? Okay student, आपको f(x) दे रखा है, which is a x square प्लस ए एक्स प्लस बी. नाउ हमें जो गिवन है वो है f(x+1/x) इज इक्वल टू f(x+f(1/x). चलिए हम इसमें x की जगह x+1/x पुट करके चेक करते हैं कि ये क्या आ रहा है. तो इट शुड बी लुक लाइक दिस, x+1/x होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स x+1/x प्लस b इज इक्वल टू f(x) इज सेम x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड f(1/x) इज 1/x² प्लस a/x प्लस बी. नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आया x² + 1/x² + 2 + ax + a/x + b इक्वल टू x² + ax + b + 1/x². आप देखेंगे ये जो चीज़ें हैं जो इसमें से कैंसिल आउट होने लगी, 1/x² से 1/x² गया, a/x से a/x, ax, 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 ax,
equal to 2. Now put this in equation, fx is equal to x square plus ax plus, यहाँ पे b का वैल्यू मिल चुका है तो इसको हम 2 रख लेते हैं. नाउ क्वेश्चन में है कि ऑल द रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0 आर इंटीजर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. नाउ अब इसको एक परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसका d 0 होना पड़ेगा. नाउ अगर इसका d 0 करते हैं तो दिस इंप्लाइज b स्क्वायर माइनस, ओके रूट्स बोला है इंटीजर होने चाहिए, तो रूट इंटीजर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डी को एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा. नाउ डी इसका क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज ए स्क्वायर माइनस 8 एंड इट शुड बी इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इंटीजर रूट चाहिए, इंटीजर रूट होने के लिए डी को एक परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा. तो अगर आप ध्यान से देखें इसको,
यहाँ से जो वैल्यू आया वो आया ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी दो ऐसे स्क्वायर्स का डिफरेंस देखना है जिसका वैल्यू कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो आई थिंक दिस ओनली वन वैल्यू, ए स्क्वायर 9 होगा और आई अगर हम 1 रखेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 9, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 4, तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13, विच इज़ अवर आंसर सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन लेट x1 बी अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड फॉर इंटीजर्स दिस इज x n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 x2 टिल xn, इफ x5 इक्वल टू 43 दिया है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x6, यानी आपको x6 फाइंड करना है। ओके लेट्स स्टार्ट। तो आपको x6 स्टार्ट करना है, फाइंड करना है, तो लेट्स, और हमें x5 दिया है, चलिए तो अभी एक जो गिवन इक्वेशन है हम उसमें एक बार x5 पुट करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। तो x n प्लस 1 जो आपको गिवन है वो है 1 प्लस x1 x2 से लेके ये गिवन है आपको x n तक, ठीक है। लेट पुट n इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो हमें आपको मिलेगा x5 इज इक्वल टू 1 प्लस x1 x2 x3 एन इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये 4 तक जाएगा, तो इससे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा x1 x2 x3 x4 का जो वैल्यू आएगा, एक्चुअली x5 गिवन है, x5 इज 43, तो 43 माइनस 1 42, तो ये वैल्यू 42 आ गया। नाउ अगर आपको x6 फाइंड करना है तो नाउ पुट एन इक्वल टू 5, अगर एन इक्वल टू 5 पुट करते हो तो x6 मिलता है जो वैल्यू होगा x1 से लेके ये जाएगा आपका x5 तक। तो इसमें आपको x1 से लेके x4 तक का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 42 इंटू 43, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगा 1807। तो 1807 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 13 इंटू 139, विच इज़ 139 इज़ योर लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, तो अगर जब आप इसके फैक्टर्स का सम करेंगे तो आएगा आंसर आपका 13। तो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, आंसर इज 13। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। एन आंट लीव्स द आंट हिल फॉर इट्स मॉर्निंग एक्सरसाइज, इट वॉक्स 4 फीट ईस्ट एंड देन मेक्स अ 160 डिग्री टर्न टू द राइट एंड वॉक्स 4 मोर फीट, इफ देन मेक्स अनदर 160 डिग्री टर्न टू द राइट एंड वॉक्स 4 मोर फीट, इफ द आंट कंटिन्यू दिस पैटर्न अंटिल इट रीचेस द आंट हिल अगेन, वट इज द डिस्टेंस इन फीट इट वुड हैव वॉक्ड। ओके चलिए, तो क्वेश्चन में दिया है कि लेट्स हम सपोज करते कि आंट यहाँ से मूव हुआ और ये ईस्ट में 4 फीट गया, लेट्स से इसका मैं कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं 0,0, और ये लेट्स से जो जहाँ पे ये रीच किया बी पॉइंट ये 4,0 होगा। ओके नाउ अब बोला गया है कि जाना तो इसको यहाँ था बट ये यहाँ से राइट डिग्री टर्न लेता है, कितना 160 डिग्री टर्न लेता है, तो ऑब्वियसली इस टाइप से मूव किया 160 डिग्री और फिर से 4 फीट गया, मान लीजिए यहाँ पे सी पे आया फिर से 4 फीट अगेन, फिर इसने ये जाना इसको इधर था बट इसने फिर से 160 डिग्री का टर्न लिया, तो ये कुछ राइट में इतना टर्न लिया। अच्छा उससे पहले आप ये देखेंगे कि ये 160 तो ये कितना होगा, ये 20, एंड सिमिलरली अगर ये 160 है तो ये कितना होगा 20, ये फिर से इसने 4 फीट मूव किया और ये यहाँ पे पहुँचा लेट से डी, और ये प्रोसेस वो कंटिन्यू करते जा रहा है, इसको जाना यहाँ था लेकिन ये फिर से 160 डिग्री का टर्न लेके ये इस तरफ आया, यानी फिर से 20 डिग्री। अच्छा सी जो कोऑर्डिनेट होंगे तो हम इनके कोऑर्डिनेट लिख ले, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो होगा वो होगा एक फॉर्मूला है 4 + 4 cos 160 डिग्री कॉमा 4 + 4 sin 160 डिग्री, ये सी का कोऑर्डिनेट होगा। इसी से हम कोऑर्डिनेट ऑफ डी भी निकाल लेंगे, हो जाएगा अगर बी से ही अगर आप देखिए आप टर्न देखो कितना हो गया 160 देन 160 दो बार आप टर्न लेके डी पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 + 4 160 डिग्री + 4 cos 160 into 2,
इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा डी, और इसी का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 + 4 sin 160° + 4 sin 160° इंटू टू। आई थिंक ये प्रोसेस कंटिन्यू करते 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 क्वेश्चन में आ रहा है कि वो फिर से ए पे पहुंच रहा है। लेट्स सी ये प्रोसेस एंड टाइम्स हुआ होगा। अगर ये प्रोसेस एंड टाइम्स हुआ होगा तो जो ए एन जो पोजीशन रही होगी उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, अगर आप इसको देख रहे हैं समझ रहे हैं, तो ए एन के कोऑर्डिनेट जो होने चाहिए थे वो ऐसे होने चाहिए थे, 4 + 4 cos 160° से चल के ये कहाँ पे एंड होगा, 4 cos 160 इंटू एन माइनस, ये टोटल एन टर्म्स होनी चाहिए थी तो इसलिए एन माइनस वन तक जाएगा। और सिमिलरली जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो भी 4 + 4 sin 160° से मूव करके ये चलेगा आपका 4 sin 160° एन माइनस वन। नाउ बट वी नो कि अगर इसको यहाँ पे पहुँचना है फिर से ए पे, तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए और ये भी ज़ीरो होना चाहिए। दैट मीन्स अगर इसको ज़ीरो होना है तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक फॉर्मूला था जिसमें कॉस के एंगल्स में एक ए पी मूव हो रहा है, तो इसका एक फॉर्म, अच्छा ये ज़ीरो होना चाहिए और साथ साथ ये भी ज़ीरो होना चाहिए, 4 + 4 sin 160° से लेके ये चीज़ भी आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। नाउ वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, अगर मैं इसको 4 की जगह यहाँ पे लिख लेते हैं 4 cos 0, तो यहाँ पे एक ए पी मूव हो रहा है और उसका कॉमन डिफरेंस अगर एंगल में देखें तो 160 है, फर्स्ट टर्म इज़ ज़ीरो, तो लेट्स से अल्फा इज़ ज़ीरो एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज़ 160 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इज़ एन, तो जो फॉर्मूला है वो ये आता है, साइन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन इंटू डी बाई टू विच इज़ 80 अपॉन साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू विच इज़ साइन 80 साइन डी बाई टू है सॉरी इंटू कॉस का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस लगेगा, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू विच इज़ 80, तो ये ज़ीरो होना चाहिए और साथ साथ सेम ये भी ज़ीरो होना चाहिए, और इसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा, सिर्फ कॉस की जगह साइन आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नोन है तो ये कॉस की जगह साइन आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज आएगा, 80 upon sin 80 इंटू साइन एन माइनस वन इंटू 80। अब इसको भी ज़ीरो होना है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें ज़ीरो कौन होगा, ऑब्वियसली कॉस वाले टर्म और साइन वाले टर्म का जो अंदर वाला वैल्यू है वो सेम है, तो अगर एक ज़ीरो हुआ तो दूसरा ज़ीरो नहीं हो पाएगा, तो ज़ीरो किसको होना पड़ेगा, सिर्फ इसको होना पड़ेगा, तभी ये दोनों ज़ीरो हो सकते हैं वरना ज़ीरो नहीं होगा, तो दैट मीन्स साइन 80 एन शुड बी ज़ीरो। ओके साइन 80 एन ज़ीरो, अब आप पुट करें देख लेना, अब एन की वैल्यूज पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, तो ये ज़ीरो जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा एन एन इक्वल टू 9 पे, यानी 9 8 72 sin 720° पे ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये एन इक्वल टू 9 आया, यानी ये 9 टाइम्स मूव किया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, 9 4 36, तो आंसर हो जाएगा इस केस में 36 feet। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 persons वेयरिंग बैजेस विथ नंबर 1 2 3 4 5 आर सीटेड ऑन 5 chairs अराउंड अ सर्कुलर टेबल, इन हाउ मेनी वे कैन दे बी सीटेड सो दैट नो 2 persons हूज बैजेस हैव कंसेक्यूटिव नंबर्स आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट है नहीं इसको, लेट्स चेक। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो बोला गया है कि 5 persons है उनके बेजेस, ठीक है, तो एक सर्कल बना देते हैं, लेट्स से यहाँ पे 1 को सेट किया, बाकी जो है टोटल 5 है, तो लेट्स 1 2 3 4 5। इसमें क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 1 के साथ कंसेक्यूटिव नंबर, उसके साथ जो 1 के साथ जो है वो 5 chairs अराउंड इन हाउ मेनी वे दे सिटेड सो दैट नो 2 persons हूज बेजेस हैव द कंसेक्यूटिव नंबर्स आर सिटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी 1 के साथ क्या क्या नहीं बैठ सकता, 2 नहीं बैठ सकता और 3 भी नहीं बैठ पाएगा, तो यहाँ पे जो बैठने वाले अवेलेबल हैं वो 4 और 5 है, तो अगर 4 और 5 है तो यहाँ पे
यहाँ पे थ्री नहीं आ सकता क्योंकि वो फोर का कंसिक्यूटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे किसको बैठना पड़ेगा? यहाँ पे थ्री बैठेगा और ये टू, तो एक ये वन ऑफ द अरेंजमेंट हो गया। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैं वन को यहीं रखा और फोर और फाइव का प्लेस स्विच किया, लेट से अगर यहाँ पे फोर है यहाँ फाइव है, अब क्या होगा? यहाँ पे थ्री नहीं आएगा तो ऑब्वियसली थ्री यहाँ आएगा, टू आएगा। आई थिंक इसके अलावा कोई केस इसमें बनेगा नहीं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, टू अरेंजमेंट अराउंड द रोटेशन अराउंड द टेबल्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट, बाय रोटेशन अराउंड द टेबल आर कंसिडर्ड डिफरेंट। तो अगर आप देखेंगे इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। और उसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बोला है कि सर्कुलर में अगर मैं वन की प्लेस स्विच करके यहाँ रख दूँ और फाइव यहाँ आ गया, थ्री यहाँ आ गया, टू यहाँ आ गया, तो वो भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो अरेंजमेंट है ये भी डिफरेंट काउंट किया जाएगा। अगर वन का पोजीशन मैंने यहाँ रख दिया, फाइव फिर यहाँ फाइव रख दिया, यहाँ पे ओके सॉरी फाइव की जगह वन रख दिया, थ्री की जगह फाइव हो गया, फिर यहाँ पे थ्री हो गया, यहाँ पे टू हो गया, ये फोर हो गया, तो ये भी डिफरेंट अरेंजमेंट काउंट किया जाएगा। तो अगर आप देखें एक अरेंजमेंट से कितने अरेंजमेंट आ जाएंगे, फाइव इससे ही फाइव आएंगे, इससे ही फाइव आएंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? टेन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए बी सी थ्री डिजिट नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम फैक्टर ऑफ ए बी सी। ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और इसमें बोला है कि ये ए बी सी आर थ्री डिजिट नंबर, तो आई थिंक देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। एक तो क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आई थिंक आपको ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि आपको पता होगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो नंबर हो जाएगा 345, और लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर हो जाएगा वो 435 आ जाएगा। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 3 × 5 × 23, और जब 435 के फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 3 × 5 × 29। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम फैक्टर ऑफ ए बी सी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 29 इज़ द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, यानी नंबर 435 रहा होगा और लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या रहा होगा? 29। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक क्लॉक का क्वेश्चन है, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम ही पूछा गया है PRMO में, तो ठीक है इसको देखते हैं। तो एक फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 7 को, आई थिंक वी नो दिस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है 11/2 × minute hand − 30 × hour hand, ये जो आता है ये वैल्यू आती है एंगल बिटवीन। ओके तो आई थिंक ये क्वेश्चन, अगर ये आपको फॉर्मूला आता होगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 12 to 1 के बीच में जो आर एंड मिनट एंड है वो 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ऑब्वियसली ये दो बार बनाता है, 12 से 1 के बीच में ये दो बार बनाएगा, तो हमें वो दोनों काउंट करना है। ऑब्वियसली आर एंड फिक्स होगा 12, हमें मिनट एंड फाइंड करना है कि वो वैल्यू क्या रही होगी, और फिर उन्हीं के बीच का हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो लेट्स पहले हम फाइंड करते हैं, एक्चुअली 11/2 × minute hand, इसको एम बोल देता हूँ, और ये फिक्स है आर हैंड विच इज 12, और एंगल आएगा एक बार प्लस 90 डिग्री के लिए सॉल्व करना है और एक बार माइनस 90 डिग्री के। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 180। ओके यहाँ से अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करते हैं तो 90 + 30 × 12 × 2/11, अच्छा इसको m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोलते हैं, तो ये m2 आएगा 30 × 12 − 90 × 2/12। अब जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है डिफरेंस वो फाइंड करना चाहता है, तो ऑब्वियसली m1 − m2 का जो डिफरेंस आएगा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 ऐड हो जाएगा, तो 180 × 2 360/11 आ जाएगा।
अब इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में वो कन्वर्ट कर रहा है, तो जब इसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म करेगा तो ये आ जाएगा 32 + 8/11। तो आई थिंक वो यही पूछना चाह रहा है, ये ए है, ये बी है, सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी जब आप करेंगे तो 32 + 8 + 11, तो जो आपका आंसर आएगा वो 51 आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है एक्स स्क्वायर 2n प्लस एक्स प्लस 1। ओके, यही क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक इसके बारे में आप जानते होंगे, इसके जो फैक्टर होते हैं एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो अगर वो इसको डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम जब हम ओमेगा पुट करेंगे या ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। और एक और प्रॉपर्टी आपको पता है ओमेगा की, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। मैं क्या करता हूँ, एक्स इक्वल टू ओमेगा पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ओमेगा एन एक्स टू पावर एन प्लस एक्स प्लस 1। जैसे पुट किया तो ये ओमेगा 2n, यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा तो ओमेगा प्लस 1, पहले मैं इसको चलो पुट कर लेते हैं, इक्वल टू जीरो लिखेंगे ना। ओमेगा प्लस 1 यहाँ से आप देखेंगे कि माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से मैं लिख लूँगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो बस यहाँ से हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है कि एन का कितना वैल्यूज होगा जिससे ये वैल्यू क्या हो जाए, ओमेगा स्क्वायर आ जाए। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, देखो 1 इसमें पुट कर रहे हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट उसने एन का वैल्यू 3 से बड़ा बोला है तो ऑब्वियसली 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो आप 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करते हैं लेट से, तो ये बनता है 8 बनता है। एंड ओमेगा, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है, ओमेगा क्यूब जो होगा वो 1 होता है, तो ओमेगा 8 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो 3 इसमें वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा। जब आप 4 पुट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे सॉरी 2^4 = 16, तो हाँ वो ओमेगा हो जाएगा, इट इज़ नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सारी ऑड जो वैल्यूज़ हैं वही ओमेगा स्क्वायर बना रही होंगी। तो एन की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, 3, 5, 7 से लेके 99, जो कि टोटल आ जाएगा आपका 49 ऑड वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं कर रहे, तो टोटल जो वैल्यूज़ होंगी वो हो जाएंगी 49। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि पी बाई क्यू इज क्लोजेस्ट बट नॉट इक्वल टू 22/7 अमंग ऑल द रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर लेस देन 100, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी माइनस 3q। ओके, चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है पी बाई क्यू, उसने बोला है कि दिस इज क्लोजेस्ट टू बट नॉट इक्वल टू, यानी इट इज क्लोजेस्ट बट नॉट इक्वल टू। तो एक बार हम 22/7 को अगर ब्रेक करें तो ये कुछ आएगा 3 1/7। तो पी बाई क्यू इसके इक्वल नहीं है, बट हमें एक ऐसा नंबर बनाना है कि जिसका जो डिनोमिनेटर वो लेस देन 100 हो और इसके क्लोजेस्ट हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इस नंबर को आप अगर चाहें तो ये बना सकते हैं कि क्लोजेस्ट टू 100 का डिनोमिनेट 100 बने इसका डिनोमिनेटर। तो 100 से छोटा क्या होता है, 99 और 98 या 97, बट हम 99 तो इसमें ऐसा कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते कि हमारा 99 बने, 98 बन सकता है अगर हम इसको 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14/98 हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ इक्वल टू 22/7। हमें जो नंबर चाहिए पी बाई क्यू वो इसके क्लोजेस्ट होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें पी बाई क्यू को मैं ऑलमोस्ट यही लिखूँ, बस ये 98 की जगह 99 कर दूँ तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लोजेस्ट भी हो गया, और जो हमारी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर लेस देन 100 भी होना चाहिए वो भी फुलफिल कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, 3 × 99 + 14/99। तो आपका पी का वैल्यू हो जाएगा 3 × 99 + 14 और क्यू हो जाएगा 99। तो जो वो पूछ रहा है पी माइनस 3q, तो पी माइनस 3q, पी हो गया 3 × 99 + 14 − 3q, 3 × 99। तो अगर आप देखेंगे कैंसिल आउट हो गया तो आंसर कितना हो गया, 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14। ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ABC इज अ ट्राइंगल
and this is a circumcircle interbisector of angle ABC intersect at A1 B1 C1 and the internal bisector of A1 of the triangle intersect again at A2 B2 C2 if the smallest angle of it is 40 degree, what is the magnitude of the smallest angle of A2 B2 C2. Okay, yala question class 9th mein ek mein aata hai ye. उसमें ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है, तो जिसने 9th में ये क्वेश्चन किया होगा वो ये इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लेगा. क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कि एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी और ये एक सर्कम सर्कल है. जब आप इसके एंगल बायसेक्टर बनाएंगे, मान लो एंगल सी का जो एंगल बायसेक्टर है और ये कह रहे हैं सर्कम सर्कल पर ये मीट कर रहा है सी वन पे, ए का जो मीट कर रहा है लेट्स से ये ए वन पे और जो बी का मीट कर रहा है ये बी वन पे. अब वो कह रहा है इससे जो ट्राइंगल बना, पहले इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं, फिर जो इसका भी एंगल बाय सेक्टर है वो फिर से मीट कर रहे हैं और ए टू बी टू, यानी सेम सिचुएशन फिर से बन रही है और फिर एंगल पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट एंगल. तो अगर क्लास 9th में ये बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा तो उनको ये पता होगा कि तो अगर आप ध्यान से देखिए ये एंगल बाय सेक्टर है तो ये एंगल बी बाई टू हो गया और ये बी बाई टू हो जाएगा. तो अगर आप ए बी को अगर पकड़े तो ये एंगल बी बाई टू हो रहा है और ए बी से फिर से ये एंगल यहाँ बन रहा है एंगल इन अ सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से. अगर आप समझ पा रहे हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी, तो ये एंगल बी बाई टू हो गया. सिमिलरली याला एंगल भी अगर आप देखें, याला एंगल कहाँ से बन रहा है, ये याला जो एंगल है ये सी, हाँ अगर आप देखें ए और सी वन को पकड़ें तो यहाँ से जो ये वाला एंगल है दिस इज सी बाई टू और ए सी वन से वाला एंगल बन रहा है तो दिस इज ऑल्सो सी बाई टू. तो अगर आप ध्यान से देखें एंगल ए वन जो आ गया आपका, एंगल ए वन है वो आ गया आपका बी बाई टू प्लस सी बाई टू, जिसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए बाई टू. तो अगर आपको क्लास 9th में ये प्रूफ करने के लिए बोला जाता है कि एंगल ए वन जो होगा वो 90 माइनस ए बाई टू, सिमिलरली सी वन जो होगा वो 90 माइनस, अगर आप ध्यान से देखें ए वन के अपोजिट वाला आ रहा है तो सी वन का, तो ये 90 माइनस सी बाई टू हो जाएगा ये वाला पूरा एंगल. खैर हमें जो बोला गया है वो है कि एंगल ए बी सी का जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 40 दे रखा है. लेट्स से हम मान लेते हैं कि एंगल ए इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल. तो अगर ए अगर 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ठीक है. और आई थिंक अच्छा अगर ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट आ जाएगा, ठीक है. और अगर ये ग्रेटेस्ट है इसके, फिर इसके अगर हम इसका एंगल बायसेक्टर बनाते हैं तो उसके जो सामने एंगल बनेगा वो बनेगा लेट से जो उन्होंने बोला ए टू, लेट से वो एंगल बनेगा 90 माइनस इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चलें तो ए वन बाई टू बनेगा और ए वन का वैल्यू अगर हमारे पास मिल गया 70 तो इट इज 70 बाई टू 35, तो 90 माइनस 35 हो जाएगा आपका 55. तो आई थिंक अगर ए स्मॉलेस्ट था तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा और ये ग्रेटेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा और उसने वही स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 55. ओके देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं. जो इक्वेशन है वो ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी देन साइन के सी इक्वल टू वन. ओके थोड़ा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को. तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज नोन होंगे तो देख सकते हैं कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी यहाँ पे दिख रहा है. तो एक फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी में जिसमें ये दोनों इंक्लूड होते हैं. तो मैं पहले वो फॉर्मूला या तो मैं किसी भी एक की वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि मैं कॉमन ले सकता हूँ, एक्चुअली वो मेरा मेन पर्पस है. तो कॉस ए कॉस बी का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस ये एज इट इज लिख लेते हैं साइन ए साइन बी साइन के सी इक्वल टू वन. इसको उधर भेज देते हैं और इसमें से ये कॉमन ले लेते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें साइन ए साइन बी अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच रहा है साइन के सी माइनस वन इक्वल टू वन माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है. और अगर आप ध्यान से देखें ऑब्वियसली एयर भी एक ट्राइंगल के एंगल हैं तो ये तो पॉजिटिव होंगे और साइन का वैल्यू वन से बड़ा नहीं होता. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो वैल्यू है ये है नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो तो इट इज समथिंग लेस देन इक्वल टू जीरो. और ध्यान से देखें ये वाली वैल्यू क्या हो रही है कॉस की वैल्यू वन से बड़ी नहीं होगी तो ये वैल्यू वैल्यू है जो वो
greater than equal to 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है और राइट हैंड साइड आपका greater than equal to 0 आ रहा है, तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब इक्वल टू 0 होगा, यानी साइन के सी का वैल्यू 1 होना पड़ेगा एंड कॉस ए माइनस बी का वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा। ये 1 तभी होगा जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा, क्योंकि एंगल 0 होगा तभी। तो ए इक्वल टू बी हमें यहाँ से मिल गया। अगर ए इक्वल टू बी हो गया एंड वी नो कि ये ट्राइंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, और ए इक्वल टू बी है तो वहाँ से हमें, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे हमें सी पे एक और कंडीशन आ जाएगा, विच इज़ अगर ए इक्वल टू बी रख दिया मैंने यहाँ पे, ए इक्वल टू बी रख दिया तो ये 2a हो गया और ये हो गया आपका, या तो इस तरीके से आ जाएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, के सी का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो अगर आप ध्यान से देखें के सी का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए तभी ये 1 हो सकता है, तो यहाँ से सी का वैल्यू आ गया 90 बाय के। और अगर यहाँ से आप देखें सी का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1, सी का वैल्यू या फिर ए का वैल्यू देख लेते हैं, ए का वैल्यू आ रहा है आपका 90 माइनस सी बाय 2। तो इन दोनों चीज़ों को आपको कंपेयर करना है, तो एक बात तो श्योर है, अगर ए एंगल है पॉजिटिव इंटीजर एंगल है तो जो सी का वैल्यू होना चाहिए वो सारे इवन नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पे सी पे कंडीशन आ गई कि ऑल इवन नंबर सी पॉसिबल हो सकते हैं, तो सी मस्ट बी अ इवन नंबर, और यहाँ पे भी सी को अगर इंटीजर होना है तो वो 90 का 90 का जो के का वैल्यू होना चाहिए वो 90 के क्या होने चाहिए, फैक्टर्स होने चाहिए, तो यानी सी का वैल्यू इवन नंबर इवन होना चाहिए और के जो फैक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, 90 के फैक्टर होने चाहिए के, तो के का वैल्यू वैसे होगा क्या यहाँ पे, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 के अगर मैं फैक्टर लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, 90, 45, 3 into 30, 5, 5 into 5, कितना हो जाएगा, 5, 18 और 6, एक फैक्टर हो जाएगा 6 एंड मैं देखो 6, 6, 6, 15, आई थिंक ये टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 4, 4, 8, 10 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। तो इसमें ऑब्वियसली के की वैल्यूज़ क्या क्या, सी का वैल्यू जो होना चाहिए वो इवन नंबर होना चाहिए, तो इसमें से कौन कौन वैल्यूज़ जो होंगी वो निगलेक्ट हो जाएंगी, अगर मैं के का वैल्यू रखता हूँ 1 रखता हूँ तो सी 90 हो रहा है, तो आई थिंक सी का वैल्यू 90 हो रहा है और वो 2 का फैक्टर, तो आई थिंक के का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मैं के का वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये 45 हो रहा है, तो अगर मैं 45 रखा तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा तो ये नहीं होगा। अगर मैं के का वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 30/2 ये हो रहा है तो इसको मैं ये के इंट्रोड्यूस, 5 अगर रखा 90/5 तो ये हो जाएगा आपका कितना, 18 हो जाएगा, तो वो वैलिड है। और अगर ये 18 रखता हूँ के का वैल्यू तो 18 में वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा विच इज़ नॉट वैलिड। 30 रखता हूँ तो उस केस में ये 3 आएगा विच इज़ नॉट वैलिड। 45 रखता हूँ 2 आएगा, आई थिंक वो 2 वैलिड है। 90 रखता हूँ तो 1 आएगा विच इज़ नॉट वैलिड। 6 रखा तो 15 आएगा विच इज़ नॉट वैलिड, एंड 15 रखा तो 6 आएगा विच इज़ वैलिड। तो कितनी वैल्यूज आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने कितने ट्राइंगल फॉर्म हो सकते हैं, जितना सी का वैल्यू आएगा उतना ही ट्राइंगल फॉर्म, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने फॉर्म होगा, 5। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ना इसमें एक गुड नंबर बोला गया है, अगर नेचुरल नंबर के है उसको गुड नंबर बोला तभी जाएगा जब 1/√a1 + 1/√a2 till 1/√a k का वैल्यू कितना आ जाए, 1 आ जाए। फिर सम ऑफ फर्स्ट एंड गुड नंबर्स निकालने, यानी हमें गुड नंबर्स निकालने जो कि इस एक्सप्रेशन को होल्ड करें, ठीक है। तो हम 1 कैसे कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक 1। अच्छा एक बात क्लियर है कि जो a1 a2 √a1 है, अगर 1 आना है तो ये जो a1 a2 ये परफेक्ट स्क्वायर रहे होंगे, ठीक है, तभी वो 1 आएगा पाएगा।
तो पहले हम देखते हैं कि अगर मैं अगर दो वैल्यूज से अगर वन बनाना है तो वन बाई टू ही होगा, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, ये टू और टू इक्वल होगा, जो हमें दिया है वो ए टू इज ग्रेटर देन ए वन बोल रखा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स से कि ऐसे कोई तीन नंबर है जिनसे जिनका सम वन बना सकते हैं, ये तो आपको आई थिंक नोन होना चाहिए, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स, इससे सम वन रहता। तो थ्री इज अ गुड नंबर, क्योंकि ये थ्री टाइम्स लिखा तो थ्री इज अ गुड नंबर, तो इसको उसने गुड नंबर बोल रखा है। अब अगर आगे देखें कि फोर कैसे फोर नंबर है जिनका सम वन हो सकता है, तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैं किसी भी एक को ब्रेक कर सकूँ दो पार्ट्स में, या मैं वन बाई थ्री या वन बाई सिक्स किसी को भी एक को ब्रेक कर सकूँ। लेट्स से कि मैं वन बाई सिक्स को जो ब्रेक कर सकता हूँ वन बाई नाइन प्लस वन बाई एटीन में ब्रेक कर सकता हूँ। अगर ध्यान से देखें वन बाई सिक्स आ जाएगा वन बाई नाइन प्लस वन बाई एटीन करके, तो ऑब्वियसली फोर, तो फोर इज ऑल्सो अ गुड नंबर। क्या मैं अगर मैं फर्दर वन बाई नाइन या वन बाई एटीन या वन बाई थ्री किसी को भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर लूँ, तो ऑब्वियसली टोटल पार्ट्स कितने आ जाएंगे, फाइव फाइव, फाइव इज ऑल्सो अ गुड नंबर। तो ऐसा हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। वन बाई नाइन को आप ब्रेक कर सकते हैं वन बाई ट्वेल्व एंड वन बाई थर्टी सिक्स में, तो बाकी नंबर एज इट इज हो गए और ये सम वन हो गया, तो फाइव इज ऑल्सो अ गुड नंबर। तो आई थिंक ये कंटिन्यू रहेगा, तो आई थिंक जो गुड नंबर होंगे वो हो जाएंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और उसने बोला है कि एफ एन बी द सम ऑफ, यानी एफ एन इज बेसिकली थ्री प्लस फोर प्लस फाइव अप टू फर्स्ट एन टर्म्स का सम है। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं एफ ऑफ एन कितना है, ऑब्वियसली ये तो ए पी है, टोटल नंबर टर्म एन है, तो एन बाई टू सिक्स प्लस एन माइनस वन और डी इसका वन है, तो ये आ जाएगा आपका एन इन टू एन प्लस फाइव होल डिवाइड बाई टू। तो यानी एफ एन का वैल्यू ये आ गया एन इन टू एन प्लस फाइव बाई टू। आपको जो फाइंड करना है वो एफ ऑफ एन प्लस फाइव अपॉन एफ ऑफ एन का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच, अच्छा ये इंटीजर होना चाहिए, तो पहले हम एफ ऑफ एन प्लस फाइव देख लेते हैं क्या है। एफ ऑफ एन प्लस फाइव कितना हो जाएगा, एन प्लस फाइव इन टू एन प्लस टेन डिवाइड बाई टू, वो एन और इसी के नीचे हम एफ ऑफ एन भी लिख लेते हैं, एफ ऑफ एन तो फिर से ये लिखा एन इन टू एन प्लस फाइव डिवाइड बाई टू। तो ये जो आपका वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा एन प्लस टेन अपॉन एन, यानी वन प्लस टेन बाय एन। तो ऑब्वियसली अगर इसको इंटीजर होना है तो वन तो इंटीजर है, तो यानी ये एन को क्या होना पड़ेगा, टेन के फैक्टर्स होने पड़ेंगे। तो एन के फैक्ट एन क्या क्या हो सकता है, वन टू फाइव एंड टेन इटसेल्फ आई थिंक। तो वन टू फाइव टेन ही वैल्यूज होंगी जो एन की जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसने बोला कि सम ऑफ ऑल दोज वैल्यूज, तो अगर आप इनका सम करते हो तो सम इसका करोगे तो फाइव टू सेवन एट टेन एटीन हो जाएगा, तो एटीन इज एटीन आंसर हो जाएगा इस केस में अगर आप इनका सबका सम करते हो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो सॉल्व हो गया। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन। क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखें, तो आई थिंक ये व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा एक्स आई एक्स जे, आई का जो आई और जेड जे का जो वैल्यू है ये है 101 आई थिंक वन से लेके। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आपने क्लासेस प्रीआरएमओ की अच्छे से पढ़ी होंगी, तो इसमें ये पूछा जा रहा है सम ऑफ टू एट अ टाइम। ना टू एट अ टाइम का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय टू। तो ये फॉर्मूला है इसका, तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको नॉन नहीं तो आप ऐसे भी जज कर सकते थे, अगर आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अगर आप देखें यहाँ पे टू एट अ टाइम का सम आता है, तो वो लिख सकते हो सम ऑफ वैल्यूज का स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट वैल्यू डिवाइडेड बाई टू, वही हमने यहाँ पे लिखा है, उस पूरे का होल स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाई टू। नाउ अब हमें क्या दिया है कि जो एक्स आईज हैं, जो एक्स की वैल्यूज हैं वो टिल 101 तक सबकी वैल्यू प्लस वन या माइनस वन होगी, या प्लस वन या माइनस वन है। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो वन रखो या माइनस वन रखो, स्क्वायर होना है, तो यहाँ पे तो आंसर कितना आना है आपका 101 आना है। अब इन्होंने बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो इस पर डिपेंड करेगा सिग्मा एक्स आई के होल स्क्वायर पे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है,
तो अगर आप 101 के आसपास का देखें परफेक्ट स्क्वायर, तो या तो 100 होगा या ये 11 होगा, 11 का स्क्वायर होगा या 100, 100 का रखेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, 11 का वैल्यू रख देते हैं। तो अगर मैं इसको 121 माइनस 101 बाई 2 रखें तो ये आपका आ जाएगा 20 बाई 10, 10 आई थिंक विच इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ठीक है, 10 आंसर का आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन इक्वल टू एन, सच दैट एन प्लस 6 इज अ प्राइम एंड एन प्लस 9 एन प्लस 7 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते, तो 9 एन प्लस 7 उसने बोला एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो लेट्स से इसको मैं आई स्क्वायर बोल देते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ से अगर एन का वैल्यू आप देखें वो आ रहा है आई स्क्वायर माइनस 7 होल डिवाइड बाई 9, और इसमें अगर मैं 6 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 9, 54 माइनस 7 47 प्लस 47 बाई 9, जिसको मैं फिर से अगर मैं ये लिख दूँ 9 45 45, इसको इस टाइप से ब्रेक करके लिखा। एक्चुअली 9 प्लस 6 एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ये भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ये प्राइम नंबर होने के लिए किस पे डिपेंड करेगा, आई स्क्वायर पे। अब आई स्क्वायर प्लस 2 जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि इंटीजर वैल्यू आना है। तो आई स्क्वायर तो हमें इस पर डिपेंड करता है कि आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर प्लस 2 होके 9 का मल्टीपल आना है, तो लेट से हम एक यूक्लिड डिवीजन लेमा से जज करते हैं कि ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। नाउ लेट आई जो हो सकता है वो 9k+1 या 9k+2 टाइप का हो सकता है, 9k+3 टाइप का हो सकता है, सॉरी 9k टाइप का भी हो सकता है। तो अगर आई इस टाइप का है तो आई स्क्वायर ऑब्वियसली 9k टाइप का होगा, या 9 अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये 9k+1 टाइप का होगा, अगर इसका स्क्वायर करें तो 9k+4 टाइप का होगा, अगर इसका स्क्वायर करें तो ये 9k टाइप का ही हो जाएगा। और आगे हम मूव करें 9k+4 तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करें 16 16, क्योंकि सब 9 के मल्टीपल होंगे एक्सेप्ट 16, तो 16 को अगर मैं अलग करता हूँ तो ये 9k+7 का हो जाएगा, और 9k+5 करूँ तो आई ये हो जाएगा 9k+25, यानी ये भी 7 ही आएगा। यानी अगर आप देखेंगे जो रिमाइंडर्स आएंगे ना आई स्क्वायर के, वो 1477 यही आएंगे अगर 9 से आप डिवाइड करते हैं। तो इसमें से कौन से जो नंबर हैं जिनको मैं ऐड करके पूरा 9 का मल्टीपल, तो ऑब्वियसली वही नंबर ये 9k+7 या 9 ये वाले जो नंबर होंगे इनको ऐड करके। यानी कहने का मतलब है आई का वैल्यू जो होना चाहिए वो 9k+4 या 9k+5 टाइप का होना चाहिए। तो 9k+4 या 9k+5 टाइप का नंबर होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें और स्मॉलेस्ट आई थिंक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोले, तो 9k+4 का जो नंबर है उसमें हम चेक कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली के का वैल्यू अगर मैं 1 रखते हैं तो ये आता है 13। अगर आप 13 का स्क्वायर करके कैलकुलेट कर, आई थिंक वो प्राइम नंबर नहीं आएगा। अगर आप के का वैल्यू 2 रखते हैं तो जो नंबर आएगा वो आएगा 18 प्लस 4 22 स्क्वायर करके प्लस 5 डिवाइड बाई 9 करते हैं तो एक वो जो होगा वो एक प्राइम नंबर आ जाएगा। आई थिंक वो जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 4k=2, मैं लिख देता हूँ 4k=2, दिस इज आई आई इज 22। तो जो नंबर आता है वो मैं एक बार बताया तो आपको, जो नंबर आएगा वो 59 आएगा, आई थिंक 59 आएगा। तो एन प्लस 6 इज इक्वल टू 59 जो प्राइम नंबर है, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 53, विच इज योर आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा एन इक्वल टू 53। ओके, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नो क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी वी कैन अ पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइडेड बी सिलेक्टेड। ओके, तो हमें एक रेगुलर पॉलीगन बनाना पड़ेगा 10 साइड का। तो 10 साइड का एक पॉलीगन अगर मैं बनाऊं, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, मान लो ये रेगुलर ऑक्टागन हो गया 10 साइडेड का। तो
तो कह रहा है कितनी पैरेलल डायगोनल्स। तो लेट्स से पैरेलल डायगोनल बनाने के लिए मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से ये लेट्स वन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि मैं वन और थ्री को ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली एक डायगोनल बन जाएगा। अगर वन और थ्री, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पैरेलल डायगोनल जो बनेंगे तो वो यही बनेंगे, टेन फोर नाइन फाइव एट सिक्स, तो ये पैरेलल डायगोनल्स बन जाएंगे। यानी अगर अगर मैंने सिर्फ टू को लीव किया है तो ये बनेगा। एक और देख लेते हैं और कैसे क्या बन सकता है। तो एक बार मैं सेकंड पेन चूज़ कर, इसी में अगर मैंने अभी क्या किया, वन और थ्री के बीच में टू एक ही पॉइंट लीव किया, अगर मैं दो पॉइंट लीव कर देता, मान लो टू और थ्री लीव कर देता, तो मेरे पास जो डायगोनल बनता वो बनता ये वाला, वन फोर टेन फाइव नाइन सिक्स। तो मेरे पास तीन डायगोनल्स बनते अगर मैं ये करता। अभी मैंने पहले एक पॉइंट छोड़ा था, फिर दो पॉइंट, मान लो अगर मैं तीन पॉइंट छोड़ता हूँ तो तीन पॉइंट छोड़ने का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं मान लो कि अगर ये वाला डायगोनल बनाता हूँ तो इसमें वन टू थ्री अगर मैंने लीव कर दिया तो ऑब्वियसली ये डायगोनल तो फिर से रिपीट हो गया, क्योंकि ये पहले बन गया था। अगर मैं तीन पॉइंट लीव करता हूँ, पहले वन पॉइंट लीव किया था, चलिए तो ये फिर से रिपीट हो रहा है। अगर मैं चार पॉइंट लीव करता हूँ तो ये ध्यान से देखिए, जो मैं ये वाला डायगोनल पहले जो बनाया था, अगर मैं ये चारों पॉइंट लीव कर देता हूँ तो जो डायगोनल बनेगा वो ये बनेगा। आई थिंक ये भी रिपीटेड हो रहा है। यानी आपके पास सिर्फ यही दो केसेस हैं, एक तो ये वाले केस फर्स्ट केस और ये वाला सेकंड केस, जिससे नंबर ऑफ पैरेलल डायगोनल बनेंगे। तो कह रहा है कि हाउ मेनी वे वी कैन सेलेक्ट अ पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल। तो जो पहले वाले बने थे उससे चार बने थे, तो फोर में से अगर मैं कोई भी दो सेलेक्ट करूँ, फोर सी टू वे से सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, और उसमें देखिए अगर मैंने अभी एक लीव किया और ऐसे ही में अगर मैं यहाँ से बनाता थ्री को छोड़ देता तो याले भी डायगोनल्स बनते टू, अगर मैं थ्री को लिखा तो टू फोर वन फाइव टेन सिक्स, ये डायगोनल भी बनते। यानी फोर सी टू ये कितने टाइम्स आएगा, ये फाइव जो डायगोनल्स बनेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, थ्री लीव किया फिर फोर लीव किया तो थ्री से फाइव, फाइव लीव किया तो फोर से सिक्स, सिक्स लीव किया तो फाइव से सेवन, और सिक्स लीव किया तो सेवन से, आई थिंक ये फिर से रिपीट होने लगेगा। यानी ये फाइव टाइम्स वन से लेके यहाँ तक आ रहा है फाइव टाइम्स, और ये फिर से रिपीट कर रहा है। तो ये हो जाएंगे फोर सी टू फाइव। और सेम चीज़ जब आप इधर देखेंगे, यहाँ पे कितने बन रहे, थ्री डायगोनल्स। तो तीन में से अगर कोई भी डायगोनल थ्री सी टू तरीके से, तो कोई भी दो डायगोनल चूज़ करने तो थ्री सी टू तरीके से चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें ये भी कितने बार रिपीट हो रहा है, ये भी फाइव टाइम्स ही रिपीट हो रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें, पहले मैंने दो डायगोनल छोड़े थे, टू थ्री छोड़ा तो ये बना। अब टू थ्री को अगर मैं छोड़ता हूँ और टू टू से स्टार्ट करता हूँ, थ्री फोर को छोड़ता हूँ तो ये वाला बनता है, ये वाला बनेगा, फिर ये वाला बनेगा और ये वाला बनेगा। और इसी तरीके से अगर मैं आगे रन करता हूँ तो ये भी फाइव टाइम्स मूव करेगा। तो ये भी कितना हो गया, इंटू फाइव। तब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा आपका सिक्स फाइव थर्टी, और ये हो जाएगा थ्री फाइव फिफ्टीन। तो टोटल जो आंसर आएगा आपका फोर्टी फाइव आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा फोर्टी फाइव। नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन। अ पेन कॉस्ट रुपीज़ 13 एंड अ नोटबुक कॉस्ट रुपीज़ 17, अ स्कूल स्पेंड एग्जैक्टली रुपीज़ 10,000 इन द ईयर 2017। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी प्रीआरएमओ में पूछा गया है, तो लेट्स से इसको चेक कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि जो लेट्स से कि पेन जो है वो नंबर ऑफ पेन लेट्स से एक्स है, तो 13x प्लस 17y इक्वल टू 10,000। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स और वाई इंटीजर्स होने हैं, तो हम सारे वो जो इंटीजर्स वैल्यू है वो कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हम एक बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई, और पहले इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख लेते हैं, एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 माइनस 17y/13। यानी अब हम ऑब्वियसली एक्स और वाई इंटीजर होने, तो हम यहाँ पे वाई का वैल्यू सपोर्ट करते रहेंगे। हमें फर्स्ट टाइम ढूंढना पड़ेगा कि एक एक्स किस वाई के वैल्यू के लिए एक्स का वैल्यू एक इंटीजर आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरो से पुट करना। जीरो जब पुट किया तो वो नहीं आया, वन पुट किया तो आई थिंक उससे भी वो एक्स का वैल्यू इंटीजर नहीं आया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाई का वैल्यू जब आप फोर पुट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एक्स का वैल्यू इंटीजर आएगा, विच इज 764। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपको ये करना पड़ता है, वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। उसके बाद की जो वैल्यूज हैं वो ईजिली काउंट हो जाती है। जो एक्स का वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखें वो वाई के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, विच इज 17। तो ये 17 से सब्ट्रैक्ट होएगा और ये प्लस 13 से इंक्रीज होता रहेगा। तो इस टाइप से आपको वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। बट क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कि मॉड एक्स माइनस वाई इज़ मिनिमम, यानी एक्स और वाई का वैल्यू जब मिनिमम होगा
वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो द स्कूल स्पेंड अ लिटल मोर देन 10,000 बाय, और फिर उल्टा कर दिया कि वो वाई पेंस होगा और एक्स नोटबुक्स होगा, तो आंसर कितना आना चाहिए उस केस में. तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है, अभी आप गैप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा, 760 का ग्रेप है, तो कब ये गैप बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा. तो वो आपको वैल्यूज़ या एक एपी का फॉर्मूला लगा के आप इसको चेक करना पड़ेगा कि कब दोनों का वैल्यूज़ बिल्कुल क्लोज हो जाएगा. तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, वो जो वैल्यूज़ आ रही है, वाई का वैल्यू आई थिंक 329 आएगा और एक्स का वैल्यू 339 आएगा, जिसमें ऑब्वियसली जो डिफरेंस है कितने का रह गया, 10 का रह गया. तो ये वो वैल्यूज़ होंगी जो वो पूछना चाह रहा है कि जब क्लोज एज मच एज पॉसिबल. तो और नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, 13 × 329 + 339, ओके थर्ड. अच्छा नेक्स्ट टाइम जो बोला है कि बाय वाई पेंस, तो वाई पेंस जो कर रहा है वो 329 है, यानी 17 × 329. ओके क्वेश्चन में बोला है कि द स्कूल स्पेंड अ लिटल मोर देन 10,000 बाय वाई पेंस एंड एक्स. हालांकि जो आपका वाई का वैल्यू आया पहले कितना है, वो 329 आया है, ठीक है, वाई का वैल्यू 329 आया. अब वो कह रहा है वाई पेंस कर रहा है, यानी वाई पेंस कर रहा है, यानी 17 जो 13 × कितना हो जाएगा ये आपका 329, और 17 × 339 ये वैल्यूज हो जाएंगे जो वो आज कर रहा है. इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आई थिंक 10,040 आ जाएगा. तो हाउ मच मोर डिड द स्कूल पे, आई थिंक पहले 10,000 पे किया था, जब आप इसको कैलकुलेट किया ये 10,014 है, तो कितना पे किया, 14 मोर, तो आंसर कितना हो जाएगा 40. ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16. नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है, वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ पॉजिटिव सच दैट 3a + 50b + 70c इज लेस देन इक्वल टू 343. यानी अब एबीसी का वैल्यू फाइंड करना है. तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, कि इसमें दिया है 30a + 50b + 70c इज लेस देन इक्वल टू 343. ऑब्वियसली एबीसी इंटीजर बोला गया है. अच्छा पहले साफ साफ दिख रहा है कि 10 10 10 सब में से मैं अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, ये सिंप्लीफाइड होकर हो जाएगा 34.3. नाउ सिंस एबीसी अगर इंटीजर है तो इट कांट बी लेस देन सम डेसिमल वैल्यू, तो आई थिंक 34.3 से छोटा बोले, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये 34 से ही छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, क्योंकि एबीसी की वैल्यूज इंटीजर है. तो यहाँ से हमें एबीसी का वैल्यूज कैलकुलेट करना है, ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करना है कि जिससे वो लेस देन इक्वल टू 34 हो. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू फिक्स कर देंगे. लेट से सी का वैल्यू फिक्स कर दिया, इफ सी इक्वल टू वन, इफ सी इक्वल टू वन 3a + 5b < कितना हो जाएगा 27. नाउ इसमें आप फर्स्ट से अगर ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इसमें बी को फिक्स कर देते हैं. नाउ इफ बी इक्वल टू वन, तो अगर बी वन होगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी अगर वन हुआ तो ये हो गया 22/3. ए का वैल्यू 22/3 विच इज अप्रॉक्स टू लेस देन 7 point something, ठीक है. एंड इफ बी इक्वल टू टू वट विल हैपन, अगर बी का वैल्यू 2 रख देता हूँ तो ए का वैल्यू आता है आपका 17/3 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 5 point something. अगर बी का वैल्यू 3 रख दें तो ये आता है 15 27 - 15 12 12/3, तो ये 4 हो गया. और बी का वैल्यू अगर मैं 4 रख दूँ तो 20, तो ये हो गया 7/3, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 point something. और इस तरीके से अगर बी का वैल्यू अगर मैं 5 रख देता हूँ तो ये जाएगा 25, तो ये जाएगा 2/3 विच इज़ नॉट पॉसिबल. ए का वैल्यू इंटीजर होना है तो ये इससे छोटा तो वैल्यू अब होगा ही नहीं. इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, इफ सी इक्वल टू अगर 2 हो जाता है तो ये हो जाएगा 3a + 5b < अगर ये 2 हो गया तो ये 14 हो गया, 14 34 - 14, तो ये हो जाएगा आपका 20. फिर इसी तरीके से आपको मूव करना है, बी इक्वल टू 1 रखेंगे, बी इक्वल टू 2 रखेंगे, बी इक्वल टू 3, फिर सी इक्वल टू 3 के लिए फिर वो सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ से जो कितनी वैल्यूज़ आ गई थी, टोटल वैल्यूज़, यहाँ से टोटल वैल्यूज़ आ गई थी, ए की वैल्यू 7 point something 7 point से छोटा, यानी 7 वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 से लेके 7. तो 7 + 5 = 12 12 + 4 = 16 16 2, तो यहाँ से आ जाएगी 18 वैल्यूज़ आ जाएंगी. जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक वो 9 वैल्यूज आ जाती हैं. और सी थ्री से अगर आप सी का वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ से एक्चुअली टोटल वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी 9 आ जाती है.
और c इक्वल टू 3 पे रखेंगे तो वहां से टोटल वैल्यूज जो आ जाएंगी वो आएंगी आपकी 3 आएंगी, और आई थिंक c 4 पे शायद एक नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 से 28 होगा, 36 हो जाएगा, फिर y का वैल्यू रखोगे तो a का वैल्यू ऑब्वियसली 1 से छोटा चाहिए नहीं, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 9, 3, 12, तो टोटल 30 वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 30। ओके, तो आज के पार्ट के लिए हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट 18 ऑनवर्ड्स हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।